मैग्नेट नहीं पकड़ रहा है, मतलब लोड पे नहीं है। क्यों लोड पे नहीं? अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया था लिविंग वाटर टेम्परेचर कितना है, 7.5। अगर मान के चले कि हमारा जो चिलर है उसका टेम्परेचर चल रहा है 9 डिग्री सेल्सियस और इसका जो सेट पॉइंट है वो 7 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा कि एक कॉइल पहले उसका एनर्जाइज होगा। कंप्रेसर का लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग कैसे काम करता है, लोड पे कब आता है, अनलोड पे कब जाता है, लोड पे क्यों जाना चाहिए, अनलोड पे क्यों जाना चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था लोडिंग अनलोडिंग के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए लोडिंग अनलोडिंग के वीडियो लेकर आया हूँ। चाहे वो किसी भी चिलर में होगा, अगर वो स्क्रू चिलर भी होगा तो भी लोडिंग अनलोडिंग के फंडा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और अगर आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अगर चिलर होगा उसके बारे में भी बताऊंगा, एयर कूल्ड होगा तो भी बताऊंगा, वाटर कूल्ड होगा तो भी बताऊंगा। तो ये जो सारा प्रिंसिपल है वो तकरीबन सेम होता है, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि उससे क्या होगा मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो, और अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आपका दिल करे मेरे वीडियो के लिंक को भेज। चलिए अब शुरू करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये कंप्रेसर का जो एरिया है यहाँ पे ये लगे हुए हैं लोडिंग अनलोडिंग। ये जो सोलेनोइड कॉइल जो होते हैं और वाल्व वो इधर से लगे हुए हैं। आप लोगों को यहाँ से देख से दिखा देता हूँ, ये देखिए दो जो है ये लोडिंग अनलोडिंग के हैं और यहाँ पे जो है एक ये है ऑयल का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कई मरतबा समझाया बताया है कि जो सोलेनोइड जो वाल्व होता है उसका काम वही होता है, मैकेनिकल उसका जो कॉइल होता है चेक करता है, एक लाइन को ओपन करता है और रास्ता खोलता है जाने का। इसी तरीके से जो हमारा ऑयल का सोलेनोइड कॉइल है वो भी ऐसे ही करता है, ऑयल को रास्ता देता है जाने के लिए, उसका काम होता है ओपन एंड क्लोज। तो किसी भी सोलेनोइड वाल्व का और कॉइल का हमेशा ज़्यादातर काम होता है ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो सोलेनोइड कॉइल दिखाए हैं, वाल्व दिखाए हैं, उसका भी जो मेन काम होता है वो ओपन क्लोज होता है। ये कैरियर का एयर कूल चिलर है, आप यूरोप के अगर चिलर में जाएंगे, मिलेनियम चिलर में जाएंगे या ट्रेन के चिलर में जाएंगे, चाहे वो एयर कूल्ड हो वाटर कूल्ड हो, वैसे भी तो सब में इसी टाइप का मिलेगा, किसी में थोड़ा फंक्शन डिफरेंट हो। उसमें क्या होता है, जब कंप्रेसर हमारा 30% पे चालू होता है उसके बाद एक डिमांड होती है, कूलिंग की डिमांड होती है। टेम्परेचर आप लोग जैसे ही जानते हैं, टेम्परेचर हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं, डिस्प्ले इधर आप लोगों को दिखा दूंगा अभी आखिर में, सेट पॉइंट रखते हैं कि इतना टेम्परेचर का सेट पॉइंट है मेरा, मान लीजिए 7 डिग्री सेट पॉइंट रखा है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो मान लीजिए 45 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा है। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए 7 डिग्री सेल्सियस रखा है या 47 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा है, तो कंप्रेसर ना एक बार वो टेम्परेचर रीच कर जाता है, मिल जाता है उसको, तो वो क्या होता है कंप्रेसर को अनलोड कर देता है, जो चिलर का मॉड्यूल सिस्टम होता है वो अनलोड करता है। टेम्परेचर इसको मिल जाएगा तो उसको अनलोड करेगा, और टेम्परेचर जब हाई जाएगा तो उसको लोड पे लेके आएगा। अगर मान के चले कि हमारा जो चिलर है उसका टेम्परेचर चल रहा है 9 डिग्री सेल्सियस और इसका जो सेट पॉइंट है वो 7 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा कि एक कॉइल पहले उसका एनर्जाइज होगा। इस कंप्रेसर की बात करूँ तो इसमें एनर्जाइज होगा, टेस्टर रखेंगे तो वो पकड़ेगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लास्ट में, टेस्टर रखेंगे तो वो पकड़ेगा, वहाँ पर घर घर मैग्नेट बनेगा, उसका मतलब वो लोड पे आया। इस कंप्रेसर की बात करो तो मैं एक आएगा पहले, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा भी ऐसे ही कॉइल करेगा, आप उस पर अगर टेस्टर लगाएंगे तो मैग्नेट बनेगा, इसका मतलब एनर्जाइज हो रहा है, दोनों लोड पे आ गया। अगर लोड से जाता है तो जब टेम्परेचर मेंटेन करेगा तो फिर ये एक एक लोड करके छोड़ेगा। ओके, योर की अगर बात करेंगे, योर कंप्रेसर की रेसिप्रोकेटिंग की, उसमें क्या होता है, उसमें जब आपका चिलर स्टार्ट होगा तो उसके साथ ही वो भी एनर्जाइज हो जाता है। ये जो हमारा सोलेनोइड कॉइल है ये उसी टाइम एनर्जाइज होता है, और जब लोड पे आ जाए तो ये डी एनर्जाइज हो जाता है, मतलब छोड़ देता है कॉइल। तो ये कैसे काम करता है, ये इसलिए ऐसे काम करता है कि इसमें आपको मैंने बताया कि किसी में मैग्नेट ऐसे पकड़ेगा वो क्या करेगा, रास्ता उसका खोल देगा, मैग्नेट छोड़ेगा तो रास्ता उसका बंद कर देगा, वो किसमें, इसमें। और जो यॉर्क वाला है वो क्या है, जब उसका मैग्नेट पकड़ेगा तो रास्ते को वो बंद कर देगा, और जब उसका मैग्नेट छोड़ेगा, करंट छोड़ेगा मतलब डी एनर्जाइज होगा, तो वो
रास्ते को ओपन कर देगा। तो उसमें उल्टा सिस्टम है लोडिंग अनलोडिंग का, जब उसमें एनर्जाइज होगा तो अनलोड पे रहेगा और जब डी एनर्जाइज होगा तो लोड पे आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको सिस्टम मिलेंगे, चिलर मिलेंगे जिसमें ऐसे ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा सेफ्टी से काम करना है और कहीं से अगर चाहें तो ट्रेनिंग ले लें तो सबसे बेटर है, और किसी सीनियर के साथ रह के अगर आप लोग काम करें तो सबसे बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइव टेस्टर से ये कैसे काम करता है और डिस्प्ले में क्या सेट पॉइंट क्या है और जो लिविंग टेम्परेचर और इंटरिंग टेम्परेचर क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा कंप्रेसर सामने चल रहा है, चालू है, तो यहाँ पर डिस्प्ले में आप लोगों को दिखा दूँ, ये सामने शायद डिस्प्ले क्लियर नजर ना आए क्योंकि कई बार ऐसा डिस्प्ले में होता है। यहाँ एक एरो देख रहे हैं आप लोग, ये एरो जाता हुआ एरो दिख रहा है और ये आता हुआ एरो दिख रहा है। तो अक्सर ये होते हैं लिविंग वाटर टेम्परेचर और ये एंट्रिंग वाटर टेम्परेचर के लिए। तो किसी किसी चिलर में अलग अलग सिस्टम हो सकता है, मैं मान लेता हूँ यहाँ इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ कितना दिखा रहा है 7.6 7.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेरा लिविंग टेम्परेचर है, और जो वापस आ रहा है ये ठंडा करने के लिए जा रहा है चिलर से, और जो वापस आ रहा है ठंडा करके एसीओ को, फ्लैटों को, रूमों को, बिल्डिंगों को, उसका देखते हैं जी। तो 9.5 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका डेल्टा टी कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है इसमें डेल्टा टी, और इसका 2 डिग्री का डिफरेंस है इसमें, सही है। तो यहाँ से हम लोग टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कितना टेम्परेचर चल रहा है, और अगर सेट करने की बात है तो हम लोग यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये 7.5 दे रहा है, यहाँ से हम लोग इसको। अभी मैं आप लोगों को कंप्रेसर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे आप लोगों को मैं बताता था कार्ला का कंप्रेसर है, और ये कंप्रेसर अभी चालू है, चालू हालत में इसका जो कॉइल है सोलेनोइड कॉइल वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये सामने नजदीक से दिखाता हूँ, ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये लोडिंग अनलोडिंग का सोलेनोइड कॉइल है, और ये देखें ये लोड पे नहीं है, इसमें मैग्नेट नहीं बन रहा है, और यहाँ देखें ये भी लोड पे नहीं है, क्यों? अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों, ये दोनों मैंने आपको दिखाया लोड पे नहीं है। अभी जैसा मैंने आपको दिखाया कि वो मैग्नेट नहीं पकड़ रहा है, मतलब लोड पे नहीं है, क्यों लोड पे नहीं है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया था लिविंग वाटर टेम्परेचर कितना है 7.5, और जो सेट पॉइंट आप लोगों को दिखाया वो भी 7.5 है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो गया, इस वजह से ये अनलोड है। दोनों कॉइल इसके डी एनर्जाइज है, मतलब एनर्जाइज नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा, और बताया है मैंने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा, सेमी हर्मेटिक होगा तो उसमें भी ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, खुला हुआ कंप्रेसर होगा तो खुले हुए में भी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उस पर सेलेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। आप लोग चाहें तो अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी चाहे मेरे वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि दूर दूर तक जिन्हें भी ज़रूरत है उन सबके पास पहुँचे, और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।